कानपुर को 42 महीने के बाद नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल पुराने के मुकाबले 16 गुना बड़ा बनाया गया है और ये उन चुनिंदा एयरपोर्टों में से एक है जहां पर फाइटर और यात्री विमान उतर सकेंगे। एयरपोर्ट को महल की तरह तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसकी पुराने डिजाइन में चेंज कर महल जैसी डिजाइन फाइनल की थी और टर्मिनल के निरीक्षण के दौरान वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच उन्होंने व्रीप करते दिखे। आप सबको कानपुर एयरपोर्ट के नए सिविल इनक्लेव का आज यहाँ पर तोहफा प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप सबको बधाई और साथ साथ मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने फिर से महापौर कर श्रीमती प्रमिला पांडे जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजा है, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को दुनिया ने देखा, उसका लाभ देश भी ले रहा है और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस लाभ के साथ जुड़ जाता है। कानपुर की आन मान और शान, इस ऐतिहासिक शहर की मेरी ऐतिहासिक जनता जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित है, आज कानपुर में आकर लोगों की आंखों में एक नई चमक दिख रही और इस चमक के पीछे दो कारण। पहला कारण तो यह है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव गठित हुए और उस नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब एक डबल इंजन की सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन इस बात का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हुई है तो जीत सुशासन और सुरक्षा की जीत हुई। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी को बड़ी सौगात दी है। शुक्रवार को मैनपुरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 412 करोड़ की योजनाओं और विकास कार्यों का तोहफा मैनपुरी को दिया है। उन्होंने 173 करोड़ से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार मैनपुरी का विकास कर रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैनपुरी में चौराहा माधव राव सिंधिया जी के नाम पर है और आज उनकी प्रतिमा की स्थापना करने का अवसर हमें मिला है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माधव राव सिंधिया का जो स्मारक बना है वो छोटा है, उसे भव्य और सुंदर बनाने का काम कार्य किया जाएगा। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ ये कार्य कराएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि निकाय चुनाव में समर्थन देने के लिए मैं जनता का आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश में बीते 6 वर्ष में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। प्रदेश में 54 लाख लोगों को आवास दिया है। हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। 1 करोड़ परिवारों को पेंशन दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धीरे धीरे विकास की लहर हर तरफ पहुंच रही है। नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए। केंद्रीय मंत्री के रूप में यानी मात्र 26 वर्ष की उम्र में वे सांसद बने थे। उच्च शिक्षा
अर्जित करने के बाद जब भारत वापस आए तो राजनीति में प्रवेश करते ही एक सांसद के रूप में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी लोकप्रियता लगातार उनके संसद चुने जाने और उस कालखंड में भारत के अंदर तकनीक का उपयोग हो सकता है, रेलवे हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय रहा हो, आज का शिक्षा मंत्रालय रहा हो, पर्यटन मंत्रालय रहा हो, इन सब में जितने रिफॉर्म हो सकते थे उन्होंने मंत्री के रूप में, भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के रूप में उनमें करने का प्रयास किया और उसे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि नवनिर्वाचित महापौर पार्षद